मेरा नाम राकेश है. मेरा सरनेम हाइड हो गया है. व्हेन आई एम स्टार्टेड साइकिलिंग, तब से मेरा सरनेम पैरा साइकिलिस्ट हो गया है. तो एनीवेज, 2012-11 जून को मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ. होने के करीब मैं 9 महीना बिस्तर पे रहा. तो वो एक्सीडेंट पे मैं मल्टी इंजर्ड था. मेरा हाथ पे नेलिंग्स है. मेरा ये जो लेफ्ट लेग है उसमें भी कम्प्लीटली आपका नेलिंग किया हुआ है, और राइट लेग्स तो एम्पूटेड किया हुआ है. मेरे मुंह पे कॉस्मेटिक सर्जरीज किया हुआ है. तो 9 महीना मैं बिस्तर पे रहा. दैट टाइम मुझे नेगेटिव वाइब्स बहुत आया. लाइक मेरे नेबर्स जो रहते हैं वही आके मुझे, मतलब बहुत सारा ऐसे बातें बताए मुझे कि आपका लाइफ ख़त्म हो गया, आपका पैर नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाओगे. तो बिस्तर में सो के वो सब चीज़, मतलब नेगेटिव वाइब्स को लेते लेते ऐसा एक मेरा मकाम आ गया, ऐसा एक टाइम आ गया कि मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं मतलब अल्कोहलिक हो गया. तो वहाँ पे मुझे नींद चाहिए. जब क्या होता है, आपका एक ह्यूमन पार्ट्स को एम्प्यूट करता है, तो दैट टाइम क्या होता है ना, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बाईपास जो वे होता है वो बंद हो जाते हैं. तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है. तो दैट्स वाई कि मुझे रात को नींद नहीं आता था. तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गया, और एक ही चीज़ सोचना, मतलब दिन रात एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मर जाना है. तो मरने के लिए भी मैंने अटेम्प्ट किया. मेरा पंखा पे मैंने हैंग आउट करने किया. तो मेरा किस्मत ने मुझे नहीं दिया कि नहीं आप मर नहीं सकते हो, कि वो पंखा भी टूट के मैं गिर गया. तो ये एक टर्निंग था. तो जब मैं टूट के गिर गया, पंखा लेके गिर गया, तो दैट टाइम मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरा एक्सीडेंट, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मैं मरा नहीं हूँ. आज ये फिर से मैंने दूसरा अटेम्प्ट करने किया कि मुझे जीना ही नहीं है, फिर भी मैं मरा नहीं हूँ. तो कुछ ना कुछ तो है लाइफ में. राइट, राइट. तो उस वक्त मेरे पिताजी के पास उतना पैसा भी नहीं था कि मुझे एक व्हीलचेयर खरीद के दिए, और क्योंकि मुझे बाहर पे भी घूमना है. तो दैट टाइम कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, फिलहाल मेरे साथ अभी मेरा एक फ्रेंड है, लिटन उसके नाम है. तो वो पहले बार, मतलब आफ्टर एक्सीडेंट के करीब 10 या 11 महीने के बाद, लीटन मुझे मतलब पुश करके लेके गया. दैट टाइम तो मुझे शर्म भी बहुत आता था कि मैं दूसरे को दिखाऊं कैसे कि मेरे पास पैर नहीं है, तो आदमी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे. वो भी मेरा मतलब बड़ा एक मेरे लिए मतलब डिफ़िकल्टी जॉब था. तो वो दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बाहर पे लेके गया. तो उस दिन से जो मैं बाहर पे निकला, आज तक मैं बाहर पे ही हूँ, बाहर पे ही घूम रहा हूँ. सो थैंक यू वंस अगेन लीटन को मेरे तरफ से. वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि मुझे बाहर निकलना है, आदमी लोगों से फेस करना है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है. तो मेरा एक पैर है नहीं, आर्टिफिशियल लेग लगा हुआ है, वो भी मैनुअल था. अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी है इसमें. तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था वॉकिंग करना, तो उसे जयपुरी लेग बोलता है, वो कम्प्लीटली प्लास्टिक के होते हैं, तो वो मैनुअल होता है. उसको लेके वॉक करना भी बहुत दिक्कत होता था. तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 या 30 मीटर वॉक कर सकता था, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता था. तो ऐसे करते करते क्या हो गया ना, दोस्त लोग भी थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बंदा को कितना हम बाहर लिफ्टिंग करेंगे. तो वो भी एक दिमाग में हर वक्त चलता रहता था कि कितने को बोले, सभी का अपना अपना काम रहता है. तो ये सब करते करते एक दिन सोशल मीडिया पे देखा कि जिसका पैर नहीं है वो भी साइकिलिंग कर रहा है. अरे ये मतलब मेरे लिए एक नया ट्विस्ट आ गया कि मेरे लाइफ में कि साइकिलिंग कैसे करते हैं वो लोग. अगर मेरे पास भी एक साइकिल आ जाता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ. बट मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि बिफोर एक्सीडेंट मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था और एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था. सो ये साइकिलिंग वाइकलिंग का मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, और कभी मैंने किया भी नहीं है. तो फर्स्ट टाइम मुझे वो साइकिल देख के मुझे मतलब इंस्पायर्ड हुआ मैं कि मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ. तो साइकिलिंग वहाँ से देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे. तो उसी दिन से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे साइकिलिंग ही करना है. कम से कम मैं खुद का काम मैं खुद कर सकता हूँ, बाहर पे मैं घूम सकता हूँ. और दैट टाइम मुझे वही ज़रूरत था कि मैं आउटिंग करूँ, बाहर पे घूमूँ मैं. ऐसे करते करते वो ज़्यादा सर्च किया. सर्च करने के बाद फाइनली एक जगह पे आया कि नहीं, मुझे साइकिलिंग ही करना है. तो अभी मैं साइकिल कैसे लूँ, कहाँ से लूँ, क्योंकि एक साइकिल का एक वैल्यू होता है, एक अच्छा खासा दाम होता है.
तो उस टाइम मेरे पास तो पैसा था ही नहीं, मेरे पिताजी के पास भी पैसा नहीं था, क्योंकि वो साइकिल का दम करीब 15,000 ऐसा कुछ था। तो मैंने मेरा दीदी को कन्विंस किया कि आप मुझे एक साइकिल खरीद के दो, तो ये साइकिल से मैं आपको पैसा तो रिटर्न कर नहीं पाऊँगा, लेकिन ये साइकिल से आपको कुछ मैं करके दिखाऊँगा विद इन वन ईयर्स में। तो दीदी भी मुझे बोल रहे हैं कि आप पागल हो गए हो, आपके पास एक पैर है ही नहीं, एक प्लास्टिक के आपका पैर लगा हुआ है, आप बोल रहे हो साइकिलिंग करोगे। तो दीदी को मैंने कन्विंस किया कि नहीं, आप मुझे दे के देखो, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा इसमें। तो मेरे बात मान के मेरे दीदी ने मुझे दिया। तो जब मेरे दीदी ने मुझे साइकिल दिया, दैट टाइम मेरे पिताजी मुझे बोल रहे हैं कि इसको घर से निकाल दो, ये पागल हो गया है। अरे क्या हुआ, इसका पैर एक है ही नहीं, दूसरा पैर पे रॉड लगा हुआ है, उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि साइकिलिंग करेंगे। तो ऐसे करते करते साइकिल आया मेरे लाइफ में, दीदी ने मुझे गिफ्ट किया साइकिल। तो पहले बार ही मैंने जब अटेम्प्ट किया, करीब मैं 200 या 250 मीटर मैंने साइकिलिंग किया, तो वो स्ट्रेट रोड था, तो सीधा मैं साइकिलिंग कर लिया। तो जब मैं साइकिलिंग कर रहा था, तब वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि वो खुशी मुझे कितना मिला था, क्योंकि मेरे पास पैर है नहीं, मैं एक साइकिलिंग कर रहा हूँ एज लाइक मेरा ड्रीम्स कम ट्रू ऐसा कुछ हो रहा था मेरे लाइफ में। तो मुझे पता नहीं था उसके बाद क्या होने वाला है। तो जब भी मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मली हूँ, मेरा पैर नहीं, ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा है। तो मैं जब यू टर्न लेने गया, तब भी मेरा बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, तो मैं गिर गया। तो वही गिरना उठना, गिरना उठना करते करते आज के डेट में आया हूँ। बहुत ही ईजीली क्या होता है, इंसान हार मान जाते हैं अपने लाइफ को लेके, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके, बहुत बड़ा बड़ा स्टेप वो लोग मतलब देते हैं, कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई ये कर लेते हैं, कोई वो कर लेते हैं, लाइफ वहाँ तक ख़त्म नहीं होता है। आज मैं ही मेरे हिसाब से जब देखता हूँ, मैं खुद को जब देखता हूँ, मेरा रोल मॉडल मैं दूसरे को नहीं बनाया, मैं खुद को ही मेरा रोल मॉडल मैं मानता हूँ कि हाँ मैंने ये तो किया है। अभी मैंने जब साइकिलिंग स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैं प्रोफेशनली साइकिलिंग के लिए मैं हैदराबाद चला गया। हैदराबाद से मैंने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया। इंडिया पे ऐसे बहुत ही कमती जगह है जहाँ पे मैंने साइकिलिंग नहीं किया। तो मेरा उसमें सबसे बड़ा अगर राइड मैं बोलूँगा, वो 2016 पे मैंने किया है, मनाली टू खारदुंगला। खारदुंगला विच इज़ वर्ल्ड हाइस्ट मोटरेबल रोड, ये करीब आपका 18,380 फीट ऊपर है। तो खारदुंगला ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आपको राइड करना है। मनाली से खारदुंगला आपका 510 किलोमीटर ऐसा होता है, विद इन 10 डेज का हमें वो टारगेट दिया गया है। तो वो मेरे लाइफ का मतलब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट राइड इसलिए था क्योंकि वहाँ पे खारदुंगला जब मैंने पहुँचा, तब मेरे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क लेके ही जाना पड़ता है वेदर के हिसाब से। तो ऑक्सीजन मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर मिलते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर देते हैं, सभी को दो दो सिलेंडर देते हैं, तो मेरे मतलब दोनों ही मैंने यूज़ कर दिया। तो वहाँ पे ऐसा भी टाइम आया कि मेरा मतलब ब्लीडिंग हो गया, मेरा वोमिटिंग हो गया, तो मुझे कोई राइड करने दे नहीं रहा था। और उस दिन आपका 15 अगस्त था, तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो 15 अगस्त को हम लोग खारदुंगला जाके इंडियन फ्लैग ऑफ को फ्लैग ऑफ करेंगे। और उसके साथ मेरा ड्रीम था कि हमारे जो असम के गामोसा है, जो हमारे प्राइड है, उसको भी हम वहाँ पे फ्लैग ऑफ करेंगे। तो दिमाग में वो भी चल रहा है कि मेरा जो ये दो ड्रीम है उसको मुझे सक्सेस फुलफिल करना ही है। तो लेह से जब मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ तक पहुँचते वहाँते सभी पहुँच गए, जितने भी राइडर्स थे वो लोग सभी नॉर्मल राइडर्स थे, मैं अकेला नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट पैरासाइकिलिस्ट था जो मतलब खारदुंगला पे अटेम्प्ट किया। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग सुबह 6 बजे राइड स्टार्ट किया, दूसरे राइडर्स करीब 9 या 10 बजे वो लोग पहुँच गए मॉर्निंग को, और मुझे पहुँचते पहुँचते दोपहर को 2 बज गए। लेकिन सभी मेरे लिए वेट कर रहा था, और मैंने सभी को बोल दिया था कि मुझे ना बैकअप वैन चाहिए ना कुछ चाहिए, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है कि लेह टू मुझे खारदुंगला तक पहुँचना है, और जहाँ पर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये डू एंड डाई मैं करूँगा ही मैं, क्योंकि इतना मैंने पास वहाँ से आपका मनाली से लेह तक कम से कम आपके 8 या 9 पास गिरते हैं, बड़ा बड़ा पास आते हैं, तो वो सब मैंने कंप्लीट किया है, तो खारदुंगला भी मैं कर लूँगा। तो वो सोच के अटेम्प्ट किया, तो लाइफ का मेरा फर्स्ट जो मेरा ड्रीम था कि मैं खारदुंगला पे राइड करके जाऊँ, वो सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किया। तो तब से मेरा मतलब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं, अब भी तो मैं खारदुंगला पे पहुँच गया, तो चलो मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर मतलब कर सकता हूँ। तो ऐसे करते करते राइडिंग स्टार्ट किया, प्रोफेशनली साइकिलिंग को ले लिया,
ये साइकिलिंग करते हैं और साइकिलिंग मेरा एक पैशन है मेरा, अभी ऐसा लगता है कि मेरा एक ब्लड का ही पार्ट है, मेरा बॉडी का एक पार्ट है साइकिल। मेरा लास्ट राइड था आपका बैंकॉक टू गुवाहाटी, थाईलैंड बैंकॉक से वो स्टार्ट किया था मैंने, और स्पेशल उसका थीम था आपका सेव द राइनो। हमारे असम के जो राइनो है, जो हमारे प्राइड है, वो स्मगलिंग होता है आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पे, इज लाइक म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, चाइना, ये सब में होता है। तो वो सब कंट्री पे आज तक हमारे यहाँ से कोई जगह अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया है। हम लोग जनरली फोकस करते हैं काजीरंगा को लेके कि यहाँ पे ही, मतलब यहाँ से ही पोचर लोग इसको मार रहे हैं, यहाँ से ही बिजनेस चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ से बिजनेस नहीं चल रहा है। बिजनेस ऑपरेट हो रहा है चाइना से, वियतनाम से, लाओस से, वहाँ से ऑपरेट हो रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, और यहाँ पे वो लोग पोचर लोग पोचिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने वो अटेम्प्ट किया है, और वर्ल्ड का मैं फर्स्ट पैरासाइकिलिस्ट हूँ जिसने चार कंट्री को एक साथ राइड किया है, तो वो आज तक किसी ने किया नहीं है, और वो सक्सेसफुली मैंने राइड किया है। बैंकॉक इंडियन एम्बेसी से स्टार्ट हुआ था और गुवाहाटी पे वो राइड को मैंने ख़त्म किया था। टोटल उसमें 35 डेज लगा था और उसका डिस्टेंस 3800 किलोमीटर था अप्रॉक्सली। तो वो राइड भी मैंने कंप्लीट किया, सक्सेसफुली किया, अच्छा लगा। और 2017 में और एक राइड है मेरा, वो भी मेरा मतलब बहुत ही मेमोरेबल राइड है, वो भी मैंने मेरे असम के लिए किया था। वो था आपका दिल्ली टू गुवाहाटी तक, वो स्पेशली फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए था। और हमारे असम पे जो हर साल बाढ़ आता है उसको नेशनल डिज़ास्टर के टाइटल दे, क्योंकि हर वक्त आपका फ्लड हर साल आते रहेंगे, तो उसको जब तक नेशनल डिज़ास्टर का वो स्वीकृति नहीं मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल इसके लिए पैकेज नहीं बनेंगे, तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि वे नेचुरली जो होता है तो वो होते ही रहेंगे, उसको हम लोग बंद नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेरा वो अटेम्प्ट था, और ये राइड भी मैंने अकेले ही किया है, और मुझे लगता है कि इस टाइप का राइड आज तक किसी ने नहीं किया है कि दिल्ली इंडिया गेट में जाके मैंने वो किया है, अपील किया है कि हमारे असम के फ्लड को नेशनल डिज़ास्टर के टाइटल दे। तो वो राइड में मैंने जितने भी पैसा कलेक्शन किए थे वो ऑफिशियली हमारे चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड जो है उसमें मैंने डोनेट किया है ऑफिशियली। तो दैट टाइम मैंने 50,000 कंट्रीब्यूट किए थे मेरे ओर से। सो ऐसे करके मेरा लाइफ चल रहा है साइकिलिंग को लेके, और जितना भी हो सकता है मैं यही ट्राई करता हूँ कि मेरे जैसे जितने भी इंसान हैं जो डिफरेंटली एबल है, उन लोगों को मैं जितना भी हो सके हेल्प करूँ, नॉट ओनली फाइनेंशियली, मैं कुछ बोल के भी मतलब हेल्प कर सकता हूँ। तो वही ट्राई करता हूँ हर वक्त कि कोई हार ना माने अपने लाइफ को लेके। ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मतलब हैप्पी है, आप किसी को दिखा नहीं सकते हो। आप अगर अंबानी फैमिली को भी देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं पर अनहैप्पी है। तो हैप्पी कोई भी नहीं है, हैप्पीनेस हमें क्रिएट करना पड़ता है। हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हैप्पीनेस अल्टीमेटली हमारे पास आएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास हैप्पीनेस नहीं आते हैं, आते हैं, लेकिन हम उसे पकड़ के रख नहीं पाते हैं, वे ढूंढते रहते हैं कि हमें हैप्पीनेस कहाँ पे मिलेंगे। तो लाइफ में ऑब्स्टेकल तो बहुत रहेंगे और रहते ही हैं, और विदाउट ऑब्स्टेकल आप मतलब लाइफ का वो जीने का इंटरेस्ट भी आपको मतलब पता नहीं चलेगा। जब तक आपके लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तब तक आप मतलब वो अच्छे टाइम के लिए मतलब वो नहीं होगा, मतलब दोनों मतलब बैलेंसिंग होना पड़ता है कि आपके पास बुरा आएंगे तभी आपको जाके कुछ अच्छा मिलेगा। तो उसको फेस करना है, वो बुरा तो अगर फेस कर पाते हैं देन ही आपके पास वो अच्छा आएगा।